वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष ट्यूटोरियल्स। और इससे पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ उस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, जिसमें कि हमने पढ़ा वोल्टेज और करंट के बारे में कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए एक मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स या हम इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात करें उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं या हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है डिप करंट के ही केस में, करंट की अभी बात कर रहा हूँ तो जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है, और जो उनकी मूवमेंट होती है तो कैसे मूव करते हैं, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो जो है उनकी एक वेलोसिटी होती है। और हमेशा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी मैं यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम से समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, और यहाँ पे मैंने एक लोड ले रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब एक मैंने लोड ले रखा है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स है और ये नेगेटिव टर्मिनल्स है। तो यहाँ से जैसे करंट चार्ज फ्लो करते हैं ना, तो जो चार्ज फ्लो करते हैं तो वो क्या होते हैं, इस तरह से करंट यहाँ से फ्लो होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ क्या होते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस भी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसे हम VD से डिनोट्स करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब भी हम एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टिंग मीडियम में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि एवरेज वेलोसिटी से जो है उस पथ पर मूव करते हैं, या उस पाथ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम VD से दिखाते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है ये पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है 10^-5 मीटर पर सेकेंड। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप इस प्रकार से बॉक्स में उसको लिख रहा हूँ, तो ये आप नोट कीजिएगा, 10^-5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि 10^-5 में ये पावर, इसका मतलब बहुत ही कम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने के कारण जो है हमें जो है एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो बल्ब है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया हुआ, वो बहुत ही जल्दी क्या कर जाता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे हम बैटरी ऑन करते हैं, तो बहुत ही जल्दी ये बल्ब ग्लो कर जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, जबकि वेलोसिटी बहुत ही कम है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ यहाँ पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, जब चार्ज मूव करता है तो जहाँ पर भी जिस भी पाथ में चार्ज होता है वो क्या बनाता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, देखो दो चार्जों के बीच जो भी यहाँ पर फोर्स बनता है, जो भी यहाँ पर जो एरिया बनता है चार्ज के बीच जो है, जो एरिया बनता है या मूवमेंट ऑफ चार्ज के बीच जो एरिया बन जाता है, जितना भी एरिया कवर्ड होता है इस पूरे फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रोपेगेट करने की स्पीड होती है, वो जितनी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करने की स्पीड होती है। तो इस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करता है, तो होता क्या है कि जो आपका कंडक्टर है, जैसे एल्यूमिनियम है या कॉपर है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, वहाँ पर ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ भी उनकी लोकेशन होती है वहाँ पर वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से हमें जो है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं या बैटरी को हम ऑन करते हैं, तो अपने आप ही एक ही बार में पूरे के पूरे कंडक्टर में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो जिस वजह से हमें जो है जो ग्लो है बल्ब का वो तुरंत दिख जाता है, जैसे हम स्विच क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो इसीलिए जबकि वेलोसिटी उसकी बहुत ही कम होती है, लेकिन कारण वही है, रीज़न वही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसलिए हमें जो है तुरंत जो है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब जो है ग्लो की स्टेज में दिखाई देता है। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
मीन्स इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब वही है कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बैटरी या फिर कोई सोर्स अप्लाई कर देते हैं तो चार्ज की जो एवरेज वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट करने की या इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट करने की जो वेलोसिटी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में वो क्या होता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो मैं बताता हूँ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये रिलेशन कहाँ से, ये रिलेशन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का रिलेशन कहाँ से आता है। सो आई इज इक्वल टू, आपको पता है जो करंट होती है वो चार्ज पर डिपेंड करती है, क्यू बाई टी। और क्यू जो आपका, मैंने आपको बताया था क्यू जो चार्ज होता है वो होता है हमारा क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई बाई टी। सो करंट इस फॉर्मूले से आपको हमें ये देखने को, जो करंट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारी करंट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पर जो एन है, ये एन क्या दिखाता है, ये एन दिखाता है कि हमारे पास उस कंडक्टिंग मीडियम में या फिर उस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एन क्या है इस फॉर्मूले में, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसमें इसमें जो एन है हमारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई जो है हमारा वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू भी मैं बता चुका हूँ, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है नेगेटिव पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये नेगेटिव का साइन है। और जो वैल्यू होती है चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स पे, एक इलेक्ट्रॉन पर होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये आपका रिलेशन हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कि जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगी उसमें इंक्रीज करती है। और नेक्स्ट आता है इसमें रेजिस्टेंस, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है आपका, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना। सो कोई भी सब्सटेंस की एक ऐसी क्वालिटी या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को क्या करता है, रजिस्ट करता है, या फिर करंट को क्या करता है, अपोज करता है, उसका विरोध करता है, यानी कि करंट फ्लो होने का अपोजिशन करना उस सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, उसका विरोध करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टेंस। हिंदी में रजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध। सो अगर मैं सिंपल सा इसको एक वर्ड एक उसमें कहूँ तो अपोजिशन, पोजिशन टू करंट फ्लो, पोजिशन टू करंट फ्लो, यानी कि करंट फ्लो को क्या करना, अपोज करना, यानी कि उसका विरोध करना या फिर उसको रोकना। तो ये क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल की एक क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, इस तरह से हम रेजिस्टेंस को दिखाते हैं आर से। और रेजिस्टेंस को जो मेज़र करते हैं, रेजिस्टेंस को जो मेजरिंग यूनिट होती है, रेजिस्टेंस को हम जो, अगर मैं मेजरिंग यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं ओम में, ओम। और इसका नाम ओम किस, ओम जो है ओम्स लॉ में आएगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, तो उन्हीं के नाम पे जो है उसका, इसका जो क्वांटिटी का जो नाम रखा हुआ है वो ओम है, ठीक। इसकी मेजरिंग यूनिट होगी ओम, और अपोजिशन टू द करंट फ्लो। और रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे, अब आता है नेक्स्ट, जो रेजिस्टेंस होता है किस चीज़ पे, किसी भी मटेरियल किसी भी सब्सटेंस का जो
रेजिस्टेंस होता है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो आर होता है हमारा, पहले मैं एक यहाँ पर एक मटेरियल ले लेता हूँ, एक कंडक्टर ही ले लेता हूँ। एक कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है या जो क्षेत्रफल है वो ए है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है सबसे पहले वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है। सेकंड, जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपाती। जैसे लेंथ को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। और ये जो साइन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1/a मैंने लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे फर्स्ट केस में अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूँ तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊँगा तो जस्ट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, और अगर मैं एरिया को कम करता हूँ तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिखता हूँ तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, और आपने पढ़ा होगा जब हम प्रोपोर्शन का साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है रो एल बाई ए। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने ही फॉर्मूला को मैं बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ वो आपको याद करने हैं, वो आपको लिखने हैं, पूछा जाता है और इन पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको मैं लिख देता हूँ, जो आपने यहाँ पर लिखा है इसे कहते हैं रो। रो इसको पढ़ते हैं हम, और ये जो आपके पास जो क्वांटिटी आई है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। या इसका दूसरा नाम भी है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता भी हम इसको कहते हैं, प्रतिरोधकता भी हम इसे कहते हैं। और ये हमारा हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो प्रत्येक मटेरियल का जो है अपना अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अब हम आते हैं, अभी मैंने आपको आर जो है रेजिस्टेंस की यूनिट बताई है ओम ओम, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, यूनिट और फॉर्मूलेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें जो है इसकी इस फॉर्मूले से रो की जो है हमें यूनिट क्या करनी है, डिराइव करनी है। तो हम कैसे इसकी यूनिट को डिराइव करते हैं, अभी हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से हम रो का फॉर्मूला कैसे कैसे डिराइव करेंगे, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ए आर बाई एल। अभी देखो यहाँ से यूनिट कैसे हम डिराइव करते हैं, ए मीन्स एरिया, और एरिया का हम तो आपको पता है किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आप कहते हैं। आर हो गया आपका रेजिस्टेंस, सभी को पता है रेजिस्टेंस, अभी मैंने बताया, ओम में नापते हैं, ये उसका सिंबल है, और जो आपकी लेंथ होती है वो मीटर में होती है। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास रो इज इक्वल टू क्या बच गया, ओम मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी किस में नापते हैं, ओम मीटर में नापते हैं। रेजिस्टेंस किस में नापते हैं, ओम में नापते हैं। करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। वोल्टेज को किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ओम मीटर। रेजिस्टिविटी हम किस में नापते हैं, ओम मीटर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की या किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ मटेरियल की, वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, आप कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, या फिर हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, इस चीज पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी को हम नापते हैं ओम मीटर में। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस हमारा होता है आर, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, अगर वो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब यानी कि जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाता है, पहले ही बताया हूँ आपको, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, इनमें अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, इनका कंडक्टर जितने भी होंगे उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा।
और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं या सेमीकंडक्टर होते हैं, जिन इंसुलेटर का मतलब कुचालक होते हैं या फिर अर्धचालक होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, वो उन उस पर मैं एक अलग सा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, क्या क्या कैसे कैसे उनका डिफरेंस होता है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल है, बैंड एनर्जी गैप पूरा, उस पर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन अभी रेजिस्टेंस को समझने के लिए सिम ये है कि यहाँ पर अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान का भी क्या होता है, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आती है हमारी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हिंदी में बात करूँ तो उसको चालकत्व तो कहते हैं। तो जो कंडक्टेंस होता है इसे हम जी से दिखाते हैं, और कंडक्टेंस होता क्या है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जी इज इक्वल टू 1/R। सारी क्वांटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें इनमें जो है इनके यूनिट्स पूछे जाते हैं, इनमें फॉर्मूले पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो 1/R, तो 1/R का मतलब 1 ओम, है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मो। 1 ओम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मो। इसकी यूनिट क्या होती है, मो, या सीमन भी इसकी यूनिट, इसे सीमन भी कहते हैं। तो दो इसमें आपकी यूनिट हो गई कंडक्टेंस की, मो और सीमन। ऐसी अब ऐसी अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी करें, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उसे हम कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं चालकता, चालकता, चालकता। और चालकता का मतलब ये होता है कि कोई भी कंडक्टर, कोई भी मीडियम है, उसमें कितने जल्दी जो है करंट फ्लो कर रही है, या फिर कितना कितना उसमें ज़्यादा, कितने अधिकतम, अधिक से अधिकतम जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैं, जैसे मैं बात करूँगा कि जैसे कॉपर है, ये सबसे अधिक चालकता होती है सिल्वर की, इसका मतलब वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसकी चालकता सबसे ज़्यादा है। कंडक्टिविटी का मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसमें कितना अधिकतम स्पीड से होता है, कितना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करता है, तो वो होती है चालकता। तो चालकता को हम दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, है ना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछने, जो चीज़ पूछी जाती है वो है इस सिग्मा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का जो है यूनिट क्या होगी, हम किस में इसको मेजर करेंगे, तो हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, अभी मैंने रो का आपको यूनिट बताया था, क्या बताया था मैंने रो का यूनिट, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर बताया था। तो इसका अगर मेरे को यूनिट निकालना, तो मैं कैसे इसकी यूनिट निकालूंगा, 1/ohm × 1/m। 1/ohm को मैंने अभी ऊपर बताया, 1/ohm का मतलब क्या हुआ, 1/R मतलब चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे मो, है ना, × 1/m का मतलब मीटर की पावर -1। सो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स, जितने भी मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ वो आप कॉपी में लिखिए और उनको याद करिएगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज काफ़ी यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद करना है। सो अब यहाँ पर मैंने आपको ये यूनिट निकालना बताया, अगर मैं फॉर्मूला को, अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊँ तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, मैं आपको बता चुका हूँ। और रो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन, रो का फॉर्मूला क्या बताया था, ए 1/A r/L, ये बताया था। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल आपका ऊपर चला जाएगा, तो L/AR, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको, इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है, हम इसको मो पर मीटर कहते हैं। सो क्या बोलते हैं, मो पर मीटर, या फिर सीमन पर मीटर। ये मो हो गया, और मीटर की पावर माइनस का, मीटर की पावर -1 का मतलब क्या होता है, मो पर मीटर, मो पर मीटर।
या फिर सीमन पर मीटर, क्योंकि मैंने मो को दूसरा दूसरी मैंने मो का दूसरा नाम क्या बताया, सीमन, सीमन पर मीटर। तो ये दोनों जो है इसकी यूनिट होती। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस।